जमशेदपुर में एक रिक्शा चालक का वोट के प्रति जुनून देखने को मिला। जहां एक रिक्शा चालक जमशेदपुर के सुदूर गांव से लगभग 50 किलोमीटर तपती धूप में रिक्शा चलाकर वोट देने पहुंचा। रिक्शा चालक के मतदान के प्रति जुनून को देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि वोट के महत्व को समझते हुए रिक्शा चालक अपने व्यवसाय को बंद कर वोट देने मतदान केंद्र पहुंचा। वोट के अधिकार को महत्वपूर्ण बनाने वाला ये मजदूर साल के 365 दिन रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता है। इसके जुनून को देखकर आप भी चकित हो उठेंगे कि अपने वोट के महत्व को समझते हुए हर बार विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में वोट देने के लिए ये अपने रिक्शा चलाने के व्यवसाय को बंद कर देता है और रिक्शे से 50 किलोमीटर का सफर तय कर वोट देने जाता है। हालांकि कई बार पैदल और साइकिल से भी वो अपने गाँव वोट देने जा चुका है। वोट तो बहुत जरूरी है ताकि सरकार का जो है सरकार का आधार पर हमको चलना पड़ेगा। जो सरकार बोलेगा उसका हमको सुनना पड़ेगा। काहे कि इस देश में जो रहता है, देश में जो जन्म लिया है, देश का माटी को हमको याद करना है। कैसे जाना है, कैसे देना है, कैसे आपका सरकार को चुनना है, ये सब मेरा अधिकार। अपना अपना सरकार को चुनने का अपना मौका मिलता है एक बार 5 साल में सिर्फ एक बार। उसमें हमको वोट अपना दे के अपना हमको रिटर्न भी आना है। कैसे जाएंगे, क्या सोचे हैं? सोच के इसीलिए हमारा पास कोई साधन नहीं है, ना बाइक है, ना साइकिल है, ना आपका कार है, ना ऑटो है, कुछ तो है ही नहीं। तो जो मेरा साधन है रिक्शा गाड़ी, इसी से हम चल जाते हैं और इसी से वोट मार के उसी दिन रिटर्न आता है। कितना किलोमीटर आता है यहाँ से? करीब 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर साइकिल जी रिक्शा से जाएंगे। रिक्शा धूप देखे कितना? वो धूप देखिए, आदमी का जब एक कोई चीज के एक तो मूड होता है। लोकसभा चुनाव में आम वोटर को देख चुनाव आयोग भी हर्षफुलित हो उठा कि उसका मतदाता जागरूकता अभियान सफल हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि जहां रिक्शा चालक वाला निरहुआ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है, तो वहीं जमशेदपुर में एक रिक्शे वाला वोट डालने के लिए जान जोखिम में डालकर हर बार वोट देने कई किलोमीटर का सफर तय करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।